पहला बैच कंप्लीट हुआ है सेक्टर 4 स्टूडियो A1 बोकारो की एकेडमी। सारे स्टूडेंट को कल ही रात में ही टास्क दिया गया था कि उनको किस थीम पे काम करना है। जैसे आप अभी देख सकते हैं इंडिया के हर कोने में जो जो मेकअप चलता है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन, बंगाली ब्राइडल, मुस्लिम ब्राइडल एंड अरेबिक, ऑल सारे टाइप के ब्राइडल्स हैं। तो इनका आज इसका एग्जामिनेशन था, तो उसी बेस पे सबको थीम दिया गया और सबने अपने अपने मॉडल को कितनी खूबसूरती से तैयार किया है ये आपने देखा है। जिनका मेकअप का फुल कोर्स रहता है ना, तो उनको हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो अपनी सोसाइटी में, सपोज ये महाराष्ट्रियन है तो इनका जो लुक है ये महाराष्ट्र के कल्चर के अकॉर्डिंग है, तो किस सोसाइटी में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी मेकअप किया जाता है। क्योंकि हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमारा एक ये भी टारगेट रहता है कि हमारी ब्राइडल का क्या ड्रीम लुक है, वो हर एक आर्टिस्ट को समझना पड़ता है। आपने बताया कि यहाँ से सीख के जो लोग बाहर जाएंगे दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग इजीली वो लोग काम कर सकते हैं। और आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है तो हर, जैसे मैं बोकारो में हूँ, मेरे पास इंडियन ब्राइडल भी आते हैं, मुस्लिम आते हैं, साउथ इंडियन आते हैं, बंगाली ब्राइडल आते हैं, महाराष्ट्रियन आते हैं। तो ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमारे हर एक स्टूडेंट में, हर एक आर्टिस्ट में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी ब्राइडल कुछ भी डिमांड करे तो वो उनको फुलफिल कर पाए। कितने दिन का कोर्स था ये? सर ये 3 महीने का कोर्स था। ठीक है, मेकअप में जो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं उनको 3 महीना मिनिमम लग जाता है। स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तो ये 3 मंथ का बेसिक कोर्स था मेकअप का और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है आपके सामने। आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसा फिनिशिंग है और थीम के अकॉर्डिंग कैसा काम किया गया है। पॉइंट्स का है कि हम थीम के अकॉर्डिंग देते हैं, बेस के अकॉर्डिंग देते हैं, प्लस सबसे बड़ी बात है कैसा गेटअप
चाहिए, हेयर स्टाइल चाहिए, प्लस स्टूडेंट जो है वो अपने क्लाइंट को कन्विंस करने में सक्षम है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम चल रहे थे, मेकअप हो रहे थे, तो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन किए कि बाकी बहुत कुछ स्टूडेंट नर्वस भी हो गए थे, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ब्यूटी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है सर? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि उनका जो हमारी ब्राइडल है, चूँकि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, तो हमें ब्राइडल को, ब्राइडल के कंसर्न को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी ब्राइडल का ड्रीम लुक क्या है, कैसे हम उनके चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो यही मैंने अपने स्टूडेंट को भी सिखाया है। ये मेरी महाराष्ट्रियन ब्राइडल है, ये महाराष्ट्र की है, इनके कल्चर में है, इनको ऐसा लुक चाहिए। अगर मैं इनको बंगाली या मुस्लिम लुक दूँ तो इनके घर में किसी को भी पसंद नहीं आएगा, इवन ये उनका भी ड्रीम लुक नहीं होगा। तो कल्चर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी बात है जो ब्राइडल है उसकी ड्रीम क्या है वो समझने की जो कैपेसिटी है वो मेरे स्टूडेंट में अब आ चुकी है। और बहुत जगह से इनकी प्लेसमेंट भी आई है, तो जहाँ भी ये जाएंगे काफ़ी अच्छा काम करेंगे। आप लोग मेरे स्टूडेंट को भी फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टा पे। अब ये लोग इतने अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं कि आप लोग इनको बुक कर सकते हैं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।